वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमारे पहले वीडियो में हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के बारे में पढ़ाया था। उस वीडियो में हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत कई सवालों के बारे में पढ़ाया गया था, कई सवाल हमने सॉल्व किए थे। लेकिन उन सभी सवालों में हमने ये देखा था कि कहीं भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ था। लेकिन आज हम आपको अपने इस वीडियो में यह बताएंगे, उस सिचुएशन के बारे में बताएंगे जब हमें x और y के अंतर्गत ऐसे भी नंबर होंगे जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुए होंगे, तब हमें किस तरह कैलकुलेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए x और y, ये दोनों हमें सवाल के अंतर्गत दिए हुए होंगे और नियम के आधार पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि x और y के अंतर्गत दी गई संख्याओं के टोटल नंबर कितने हैं। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि x और y के अंतर्गत जो भी नंबर दिए गए हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, 10 है। यानी हमारा जो n है वो कितना हो गया, वो 10 हो गया है। और हम क्या करेंगे, अब हमें नियम के आधार पर x और y इनके वैल्यूज को रैंक देना है। तो चलिए हम रैंक देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x के अंतर्गत सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 35। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को नंबर एक रैंक देना है। हमने क्या किया, 35 को 1 रैंक दे दिया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, 35 से छोटा नंबर कौन सा है। तो 35 से छोटा नंबर यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें रिपीट नंबर मिल चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए 27 यहाँ पर भी है, 27 यहाँ पर भी है और 27 यहाँ पर भी दिया, यानी कि तीन जगह नंबर एक के बाद तीन जगह हमने ये देखा कि हमें सेम नंबर रिपीट हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ देखिए 1 तो हमारा आ चुका है, तो अब ये ध्यान रखिए कि दूसरा 27 दूसरे नंबर पर होगा, तीसरा 27 तीसरे नंबर पर होगा और चौथा 27 चौथे नंबर पर होगा। यानी पहले 27 को हम 2 रैंक देंगे, तीसरे 27 को हम 3 रैंक देंगे और चौथे 27 को हम 4 रैंक देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि तीन नंबर यानी कि एक ही संख्या तीन बार रिपीट हुई है, इसलिए हम इसका एवरेज निकालेंगे। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 9/3 यानी कि 3 हमें टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 3 यहाँ पर हमें मिलेगा। एवरेज निकालने के बाद हमें 3 मिलेगा। तो ये जान लीजिए 3 क्या है, 3 यहाँ पर ये जान लीजिए कि बाकी के जो नंबर रिपीट हुए हैं उन तीनों नंबरों को हमें एक ही नंबर देना है। तो इन तीनों को जो एक ही नंबर दिया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 3। तो ये जान लीजिए 35 को हमने 1 नंबर दिया हुआ है और 35 के बाद अब देखिए एवरेज निकालने के बाद जब हमने एवरेज निकाल लिया तो एवरेज निकालने के बाद हमें कितना मिला है, 3 मिला है। तो ये ध्यान रखिए इस 27 को भी 3 रैंक, इस 27 को भी 3 रैंक और इस 27 को भी 3 रैंक मिला हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसे हम क्या रैंक देंगे, उसे हम रैंक देंगे, देखिए 4 तक तो हमने रैंक दे दिया है, तो 4 के बाद इसके बाद जो छोटा नंबर होगा उसे हम कौन सा रैंक देंगे, उसे हम 5 रैंक देंगे। यानी 27 से छोटा नंबर कौन सा है, 25। तो 25 को हमने कौन सा रैंक दिया, 25 को हमने रैंक दिया 5। 5 के बाद देखिए 25 से छोटा नंबर कौन सा है, 24, इसे रैंक दिया गया 6। 24 के बाद देखिए कौन सा नंबर है, 23, इसे रैंक दिया गया 7। 23 के बाद नंबर है 22, इसे रैंक दिया गया 8 और 21 को रैंक दिया गया 9 और 20 को रैंक दिया गया 10। अब हमने क्या किया, हमने x सीरीज की जो भी वैल्यूज दी हुई थी उन सभी को रैंक दे दिया है। भले ही हमें एक नंबर रिपीट हुआ था लेकिन हमने उसका एवरेज निकाल के उन सभी को भी रैंक दे दिया है। चलिए सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, जो y की हमारी वैल्यू है y की वैल्यूज को भी हम रैंक देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम y के अंतर्गत जो भी नंबर है
इन नंबरों में यह देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 50, तो 50 को हमने रैंक दे दिया 1। 50 के बाद देखिए इससे छोटा नंबर है 41, 41 को हमने रैंक दे दिया 2। 41 के बाद छोटा नंबर है 40, 40 को हमने रैंक दे दिया 3। अब आप ध्यान दीजिए 3 के बाद देखिए 38 जो नंबर है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, यानी 38 नंबर जो है वह 3 बार रिपीट हुआ है। तो 3 बार रिपीट होने के साथ साथ हम ये देखेंगे यहाँ पर, आप ये देखिए कि 38, 3 तक तो हमने रैंक दे दिया है, तो 3 तक रैंक देने के बाद जिसका नेक्स्ट नंबर होगा यानी कि नेक्स्ट 38, पहले 38 को हम रैंक देंगे 4, दूसरे को 5 और तीसरे को 6। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को मिलाकर इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज इन द सेंस यहाँ देखिए 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15 15 अपॉन 3। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि 38 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार रिपीट होने के नाते हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के पश्चात हमें एवरेज कितना मिला, हमें एवरेज मिला 5। तो 5 एवरेज मिलने के पश्चात हम क्या करेंगे, हम पहले 38 को भी 5 रैंक, दूसरे 38 को भी 5 रैंक और तीसरे 38 को भी 5 रैंक देंगे। अब क्या हुआ, इन तीनों नंबरों को सेम टू सेम रैंक मिला है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 6 तक तो हमने यहाँ पर ऐड कर ही लिया है, तो ये ध्यान रखिए इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 7वीं रैंक दी जाएगी। तो 7वीं रैंक हमें दी गई है 36 को, 7वीं रैंक हमने दी है 36 को, 36 को कौन सा रैंक दिया गया 7, और 36 के बाद जो नंबर है 32 को हमने रैंक दिया 8, 32 के बाद नंबर है 30 को हमने रैंक दिया 9 और 25 के बाद नंबर है 25 को हमने रैंक दिया 10। तो अब हम यहाँ देखिए x की तरह हमने क्या किया, x की ही तरह हमने y के भी जो नंबर थे y की भी सभी मात्राओं को हमने रैंक दे दिया है। तो x के भी रैंक और y के भी रैंक, इन दोनों के अंतर्गत हमने ये देखा कि x में किसको रिपीट किया गया था, 27 तीन बार रिपीट हुआ था, और y के अंतर्गत भी 38 तीन बार रिपीट हुआ था। तो 27 को हमने सेम टू सेम रैंक दिया 3 और यहाँ पर 38 को भी हमने सेम रैंक दिया 5। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा d, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस किसके बीच, rx और ry के बीच। तो यहाँ देखिए rx यहाँ है ry, हम क्या करेंगे rx में से ry को माइनस करेंगे। तो देखिए 8 माइनस 9 माइनस 1 6 माइनस 5 प्लस 1 3 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0 9 माइनस 5 प्लस 4 10 माइनस 10 0 3 माइनस 5 माइनस 2 5 माइनस 7 माइनस 2 3 माइनस 2 प्लस 1 7 माइनस 8 माइनस 1। ये हमें डिफरेंस मिल चुका है किसके बीच, rx और ry के बीच। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है, इस डिफरेंस का वर्ग निकालना है। तो सेम सिंपल है, माइनस 1 का वर्ग होगा 1, प्लस 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 16, 0 का 0, माइनस 2 का 4, माइनस 2 का 4, प्लस 1 का 1, माइनस 1 का 1। इसी तरह हमने क्या किया, डी स्क्वायर का मान भी हमने निकाल लिया है। तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको जरूर याद होगा कि रैंक कोरिलेशन की गणना करते समय हमें सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है डी स्क्वायर की। हमारा फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। टेबल के अंतर्गत जब हम डी स्क्वायर का समेशन निकालते हैं तो डी स्क्वायर का समेशन हमें मिलता है 28। चलिए अब हम फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला है, पहले देखिए जब रिपीट रैंक नहीं होते थे तब हमारा फार्मूला केवल इतना ही था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ इतना ही था। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे दो नंबर थे जो 3 बार रिपीट हुए थे, पहला नंबर था 27 और दूसरा नंबर था 38, इसीलिए हमने यहाँ पर इनको जोड़ दिया गया है, यहाँ पर इनको जोड़ा गया है, और जो
जोड़ने के साथ साथ अगर ये और भी ज्यादा रिपीट होते हैं तो इसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे दो रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा 27 और 38 केवल दो ही नंबर ऐसे थे जो एक से अधिक बार रिपीट हुए थे। तो ये मान लीजिए कि ये 27 के लिए है और ये मान लीजिए ये 38 के लिए है, और अगर और भी नंबर रिपीट होते तो हम इसको आगे और भी बढ़ा देते। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है हम क्या करेंगे, m1 का मतलब है कि दी गई संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। तो दी गई संख्या जितनी बार रिपीट हुई होगी उस नंबर को यहाँ पर हम लिखेंगे और उस नंबर का घन निकालेंगे, यानी 2 × 2 × 2 इस तरह से हमें करना है। तो m1 का घन यहाँ मान लीजिए, फिर यहाँ पे m1 + 1/12, m2 का घन माइनस m2। तो ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। तो फॉर्मूले के हिसाब से आगे आप देखिए 6 इस ब्रैकेट में देखिए 6, क्यों? क्योंकि 6 देखिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर 28 क्या है, 28 डी स्क्वायर का समेशन है, जो डी स्क्वायर हमने टेबल के माध्यम से निकाला था। अब यहाँ देखिए 1/12 ये ब्रैकेट में देखिए, यहाँ देखिए m1 यानी कि पहला नंबर यानी कि 27 कितनी बार रिपीट हुआ था, 27 तीन बार रिपीट हुआ था। तो तीन बार रिपीट होने के नाते हमने यहाँ पर m1 की जगह पे 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे देखिए सेम चीज, जो सेकंड नंबर हमारा था 38 वो भी तीन बार रिपीट हुआ था। तो तीन बार रिपीट होने के नाते हमने यहाँ पर दूसरे वाले में भी इसको 3 नंबर दे दिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के अंतर्गत आप ये देखिए 28 + 1/12, तो 3 का घन कितना होता है, 27, 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 × 3 27, ये हमारा कितना होता है 27 माइनस 3 प्लस 1/12, इसका भी सेम होगा जैसे वहां है वैसे यहाँ भी है 27 − 3। अब यहाँ देखिए नीचे के जो नंबर है 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो पहले भी आपने किया हुआ था, ये सेम चीज यहाँ पर भी है। तो 10 का वर्ग कितना हुआ 100 − 1 99 × 10 990, ये देखिए लास्ट में आएगा। अब आप ऊपर की तरफ क्या कैलकुलेशन करेंगे, 28 + 1/12 27 − 3 + 1/12 27 − 3, ये हमने यहाँ पर यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, 28 + यहाँ देखिए 27 − 3 कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, 24 × 1 कितना आपको मिलेगा, 24 ही मिलेगा, और उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हमें मिलेगा, 2 मिलेगा। तो सेम वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है, सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी है, 27 − 3 24 × 1 24 / 12 कितना हमें मिलेगा, 2। तो यहाँ देखिए ये हमारा बहुत ही शॉर्ट अप हो चुका है, अब इसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 − 6 ब्रैकेट में है 28 + 2 + 2/10, यहाँ देखिए 99 ब्रैकेट में है 99, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 990। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ कैलकुलेट करते हैं, 28 + 2 = 30, 30 + 2 आपको मिलेगा 32, तो 32 × 6 यहाँ देखिए, तो 32 को जब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 192, और यहाँ देखिए 990। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ आप देखिए 1 − 192 / 990, तो यहाँ पे भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट जब आपको कैलकुलेट करना है तो 192 को आप 990 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर
आंसर मिलेगा 0.19. तो 0.19, तो 0.19 को जब आप 1 से माइनस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0.81. आपका आंसर किस में है? आपका आंसर देखिए प्लस में है, 0.81. ये एक तरीका है. और सेम देखिए दूसरा तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके भी यहां पर आंसर निकाल सकते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहां देखिए ये 990, फिर 990 का मल्टीप्लाई यहां होगा 990 माइनस 192 का मल्टीप्लाई यहां होगा 192. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 798/990. तो 798 को जब हम 990 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा प्लस 0.81, यानी 0.81 ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो इस सवाल के अंतर्गत हमने ये देखा था कि x और y ये दोनों संख्याएं हमें दी गई थी, इन दोनों के अंतर्गत हमें मात्राएं दी गई थी. तो मात्राओं के अंतर्गत हमने क्या किया, मात्राओं के अंतर्गत हमने सभी को रैंक दिया. लेकिन रैंक में भी समस्या हमें दिखाई दी कब, जब हमें एक ही नंबर एक से अधिक बार रिपीट होते हुए दिखाई दिए. तो x में रिपीटेशन किसकी थी, 27 की थी, और y में रिपीटेशन थी 38 की. तो हमने अपने फार्मूला के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया. कैलकुलेट करने के पश्चात यहां हम देखेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत x और y के बीच सहसंबंध गुणांक का मान कितना है, 0.81. चलिए इसी से संबंधित हम एक सवाल और देख लेते हैं. इसके पहले के सवाल में हमने ये देखा था कि दो नंबर रिपीट हुए थे और दोनों ही नंबर तीन तीन बार रिपीट हुए थे. लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे एक नंबर तीन बार रिपीट हुआ है और दूसरा नंबर दो बार रिपीट हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्स और वाई ये मात्राएं हमें दी हुई है, ये हमें सवाल के अंतर्गत दिया हुआ होगा. अब हम क्या करते हैं, अपने x की मात्राओं को रैंक देना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सबसे बड़ा नंबर है 25, इसे हमने रैंक दिया 1. अब इसके बाद देखिए 25 से छोटा नंबर कौन सा है, 25 से छोटा नंबर आपको दिख रहा है 22. 22 को हमने रैंक दिया 2. 22 के बाद इससे छोटा है 20. 20 को हमने रैंक दिया 3. 3 के बाद 15 को हमने रैंक दिया 4. अब देखिए 15 से छोटा है 14. देखिए 14 यहां भी है, 14 यहां पर भी, 14 यहां पर भी है, यानी तीन बार यहां पर रिपीट हुआ है. तो आके देखिए 4 तक तो हमने रैंक दे ही दिया है. ये मान लीजिए पहले 14 को 5th रैंक, दूसरे 14 को 6th रैंक और तीसरे 14 को 7th रैंक. अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे. अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे. क्यों, क्योंकि 14 जो नंबर है वो तीन बार रिपीट हुआ है. अब डिवाइड करने पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा 6. तो हमने क्या किया, हमने 14 को भी 6 रैंक दिया, इस 14 को भी 6 रैंक और इस 14 को भी 6 रैंक दिया गया है. यहां पर देखिए टोटल n की संख्या कितनी है, केवल 7 है, इसलिए इसके बाद हमें रैंक देने की आवश्यकता नहीं है. यहां पर ये सीमित हो गया क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7. सेम चीज हम क्या करेंगे यहां पर y के अंतर्गत भी हम यही करेंगे. तो यहां देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है, 40. 40 को हमने कौन सा रैंक दिया, 1. उसके बाद आप देखिए 40 के बाद हमें इससे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, इससे छोटा नंबर आपको दिख रहा है 25. लेकिन देखिए 25 यहां भी है, 25 यहां पर भी है, यानी 25 दो बार रिपीट हुआ है. तो 40 को हमने जब 1 रैंक दे दिया है तो अब ये देखिए इसके बाद 50 को कौन सा रैंक देंगे, 25 कौन सा रैंक देंगे, 2, और दूसरे को 3. अब इसका एवरेज जब हम निकालेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे. क्यों, क्योंकि 25 जो है केवल दो बार रिपीट हुआ है. तो दो बार रिपीट होने के नाते हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2.5. तो 2.5 यहां भी और 2.5 यहां भी. अब इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होगा उसको हम कौन सा रैंक देंगे, उसको हम रैंक देंगे 4. तो यहां देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 18. 18 को हमने रैंक दिया 4. 18 के बाद कौन सा नंबर है, 12. 12 को हमने रैंक दिया 5. 12 के बाद कौन सा नंबर है, 10. 10 को हमने रैंक दिया 6. 10 के बाद है 7. 7 को रैंक हमने दिया 7. अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस
निकालेंगे किसके बीच, आर एक्स और आर वाई के बीच। अब हम माइनस करेंगे किसके बीच, आर एक्स और आर वाई के बीच, यानी 4 - 2.5 1.5, 6 - 5 1, 1 - 4 कितना मिला -3, 6 - 2.5 3.5, 6 - 1 5, 3 - 6 - 3 2 - 7 -5, ये डिफरेंस हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालेंगे हम क्या करेंगे, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1 का 1 -3 का 9, 3.5 का 12.25, 5 का 25 -3 का 9 -5 का 25, डी स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिग्मा डी स्क्वायर का मान निकालना है, यानी जो भी वैल्यूज हमें यहां पर मिली हुई है हम क्या करेंगे, हम इसका समेशन निकाल लेंगे यानी इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के पश्चात हमें आंसर मिलेगा 83.50। अब हम आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। हम जो डी स्क्वायर का मान हमें मिला हुआ है उसी के आधार पर हम बाकी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बाकी के कैलकुलेशन में ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए पहले की तरह ही सेम है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम 1 3 माइनस एम 1 प्लस 1/12 एम 2 क्यूब माइनस एम 2 अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारा पहले की तरह ही दिया हुआ है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले के अंतर्गत सभी वैल्यूज को लिख लेंगे। 1 - 6 83.5 क्या है, डी स्क्वायर का मान है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, प्लस 1/12। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब हमें मिलेगा 27, 27 माइनस 3 24 डिवाइड बाय 12 ये हमें मिलेगा 2 यहाँ लिखा गया है। फिर प्लस 1/12 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब होगा 8, 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाय 12 0.5 ये हमें मिलेगा। अब यहाँ देखिए हमने वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया है, ये देखिए दो बार रिपीट हुआ। यहाँ पे m1 का मान हमने 3 लिखा, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू जो थी वो 3 बार रिपीट हुई थी और यहाँ देखिए दूसरी वैल्यू जो है वो केवल 2 ही बार रिपीट हुई थी, इसलिए हमने m1 यहाँ पर 3 लिखा और m2 यहाँ पर 2 लिखा। अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं, 83.5 प्लस 1/12 3 का क्यूब 27 माइनस 3 प्लस 1/12 2 का क्यूब 8 माइनस 2 यहाँ देखिए अब कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 83.5 प्लस यहाँ देखिए 27 माइनस 3 कितना मिलेगा 24 डिवाइड बाय 12 कितना मिलेगा 2 यहाँ देखिए 8 माइनस 2 कितना हुआ 6 डिवाइड बाय 12 कितना मिलेगा 0.5 यहाँ देखिए डिनोमिनेटर के अंतर्गत आप देखिएगा 7 7 का स्क्वायर माइनस 1 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 तो 49 माइनस 1 यहाँ लिख दिया गया। अब लास्ट देखिए 6 ब्रैकेट में है 83.5 वो वैल्यू है सिग्मा डी स्क्वायर की प्लस यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें 0.5 डिनोमिनेटर में देखिए 7 49 माइनस 1 तो 7 49 माइनस 1 कितना मिलेगा 48 यहाँ देखिए लास्ट में 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 86 जब इसको हम प्लस करेंगे तीनों वैल्यूज को 83.5 प्लस 2 प्लस 0.5 तो हमें कितना मिलेगा तो हमें मिलेगा 86 तो लास्ट में क्या हुआ 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 86 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 48 अब यहां हम क्या करेंगे अंत में हमें मिलेगा 1 माइनस 516 अपॉन 336 अब लास्ट में हम क्या करेंगे 516 को 336 से डिवाइड कर देंगे तो 336 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.54 और फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे 1 - 1.54 यहां देखिए हमको आंसर निगेटिव में ही मिलेगा क्यों क्योंकि 1.54 1 से बड़ा है इसलिए फाइनल आंसर हमें माइनस में ही मिलेगा तो 1 - 1.54 करने के पश्चात हमें फाइनल आंसर मिला -0.54 तो यहाँ देखिए इस सवाल के अंतर्गत स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन का मान है -0.5